हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सोल जर्नी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि स्पिरिचुअलिटी का डेवलप कैसे करें। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि आज के आधुनिक युग में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हुए विकास या डेवलपमेंट से हमने बहुत सी सुविधाजनक साधन यानी उपकरण खोज लिए हैं। इसके उपयोग से हमें अधिक समय मिलना चाहिए था, लेकिन इन सुविधाओं में हम इतने ज़्यादा फंस गए हैं कि समय की कमी रह गई पड़ गई है। हमें इतना भी वक्त नहीं मिलता कि हम अपने अंदर झांक सकें और अपने जीवन के उद्देश्य को परख सकें। इस प्रकार हम स्पिरिचुअलिटी से दूर होते जा रहे हैं। आज हम लोगों का जीवन इतना व्यस्त हो गया है कि हमें आराम के लिए भी समय नहीं मिलता। हम अपनी लाइफ में ऐसे ही भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, कभी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, कभी किसी काम में फंसे रहते हैं, कभी किसी ना किसी काम में उलझे ही रहते हैं, परंतु हमारे पास खुद के लिए भी टाइम नहीं होता। हमारे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि हम रिलैक्स होके या आराम से बैठ सकें। एक दिन हम खुद से यह सवाल करते हैं कि क्या हमारे जीवन का पर्पस केवल जन्म लेना, बड़ा होना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना और बाद में मृत्यु को प्राप्त हो जाना ही है, या इसके अलावा भी कुछ और है। संत महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य जीवन में तीन पहलू हैं, बौद्धिक, शारीरिक और स्पिरिचुअलिटी। हमें इन तीनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। हम बौद्धिक और शारीरिक विकास में तो बहुत प्रगति कर चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हम अपने आध्यात्मिक पहलू को शुरू ही नहीं करते या उसे भूल गए हैं। हम खुशनसीब हैं कि हमने मनुष्य का जन्म पाया है। अपने इस जीवन में यदि हम अपने स्पिरिचुअलिटी के डेवलपमेंट के लिए समय नहीं निकालेंगे तो हम अपने उद्देश्य या अपने ध्येय को पूरा नहीं कर सकेंगे। आध्यात्म जीवन में उच्च आदर्शों को विकसित करना हमें बेहतर इंसान बनाना सिखाता है। स्पिरिचुअलिटी का डेवलपमेंट करने के लिए यह जरूरी है कि हम अध्यात्म की शिक्षा छोटी उम्र से ही बच्चों को देना शुरू करें, ताकि वे बड़े होकर एक अच्छे इंसान बन सकें। आध्यात्मिकता एक दूसरे के लिए प्रेम और दया का भाव जगाती है, दूसरे की हेल्प करना सिखाती है। ध्यान का अभ्यास एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा अपने अंदर सद्गुणों को विकसित कर सकते हैं। यही आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है। ध्यान अभ्यास के जरिए हम न केवल जीवन में उच्च आदर्शों को जान पाते हैं, बल्कि अपने भीतर रहने वाली आत्मा या सोल को भी पहचान लेते हैं। फिर परमात्मा की पहचान करना कठिन नहीं रहता। हम जैसे ही हम अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की ओर लेकर जाते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा, हमारी सोल शुद्ध होती जाती है, प्योर होती जाती है। और जब हमारी आत्मा प्योर होती है तो हमारे अंदर खुद के लिए और दूसरे के लिए प्यार उमड़ता है, और ये प्यार हमें भगवान से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है। तो हमें चाहिए कि जैसे ही बच्चे छोटे हों, उन्हें अध्यात्म की शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। ध्यान मेडिटेशन जरूर करना उन्हें सिखाना चाहिए, ताकि वह एक खुद को एक अच्छा इंसान बना सकें। वो खुद को ही नहीं, अपने आसपास के माहौल, अपने आसपास के लोगों को भी अच्छा बनाने में हेल्पफुल हो सकते हैं। अध्यात्म ना केवल आपको अच्छा बनाता है, बल्कि वह समाज और परिवार के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। इसके द्वारा हम ना केवल दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बल्कि हम दूसरों को भी सिखाते हैं कि वह भी दूसरे की हेल्प करे। जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है, आप उनकी उस किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में उनके काम आ सकें। साथ ही साथ वह मदर अर्थ को भी वाइब्रेशन दे। तो दोस्तों, ध्यान या अभ्यास का अंतर्मुख होने का रास्ता है, जिसका अर्थ है कि हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अपने भीतर टिकाना, अपना आत्मचिंतन करना और भीतर के संगीत से जुड़कर
शांति और आनंद को प्राप्त कर सकें। प्रतिदिन थोड़े देर ध्यान का अभ्यास करने से हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। हम हर कार्य को कुशलता से और कम समय में कर पाते हैं। इससे सभी इंसान में प्रभु के दर्शन होने लगेंगे। हमारे दिल में पूरे संसार के लिए प्रेम और दया का भाव जागृत हो जाएगा, तो इससे हमारी मदर अर्थ को एक अच्छी वाइब्रेशन मिलेगी। तो दोस्तों, यह था वीडियो हमारा स्पिरिचुअलिटी के डेवलप के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।